देन ट्री ऑफ लाइफ को हम समझते हैं, ट्री ऑफ लाइफ सर्कल ऑफ लाइफ का सेंटर होता है, इसमें से सर्कल हटा दिए जाते हैं, कुछ लाइंस को लेकर ट्री ऑफ लाइफ निकला। और कैबलिस्टिक लोग इसका बहुत यूज करते थे, एंशियंट टाइम से इसका बहुत यूज होता है। कई जगह आप सेल्टिक ट्री भी देखेंगे, सेल्टिक ट्री में रूट्स होती हैं ट्रीज के साथ, तो कहीं ना कहीं ये अर्थिंग हेवन और अर्थ के बीच में कनेक्शन को दिखाता है। कबला लोग हेवन और अर्थ में कनेक्शंस के लिए इसको यूज करते थे। हम भी अब ट्री ऑफ लाइफ स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज करते हैं। हमने इसमें क्या यूज करा है, सिट्रीन के टंबल्स यूज करे हैं, ग्रीन जेट के टंबल्स यूज करे हैं, कार्निलियम के टंबल यूज करे हैं, लैपिस लाजुली की पेंसिल यूज करी है, ग्रीन एमिट्रिन की पेंसिल यूज करी है। और अगेन हमने सारी लाइंस को पहले कनेक्ट करा। आप देख रहे हैं बॉर्डर भी है, और जितनी भी पेंसिल्स बाहर हम रख रहे हैं वो बॉर्डर को रख रहे हैं, तो उन बॉर्डर को भी हम कनेक्ट करेंगे, उस बॉर्डर को कनेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं उसकी लाइन को टच करना है। जैसे ये बॉर्डर आपने कर लिया, वहां पे लाइन टच कर रही है, या यहां से फिर ये टच करेंगे और फिर इसको चलाएंगे। नीचे लेयर में फॉइल है, अगेन हमने इंटेंशंस पुट अप करी हुई है। अर्थिंग के लिए इसको यूज करा जाता है। पावर्स तो यूनिवर्स में बहुत हैं, लेकिन जब तक वो नीचे नहीं आएंगे, अर्थिंग नहीं होगी, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ट्री ऑफ लाइफ अर्थिंग के दिखाता है कि अर्थिंग कैसे होगी, कैसे वो पावर्स नीचे आएंगे उनको दिखाता है। तो बहुत ही मिस्टिक पावर्स को जनरेट करता है, इमेंस ऑफ यूज आता है। थैंक यू।